तो इधर मुझे आवाज आई कि पीछे मेरी बेटी ने शोर मचाया हुआ है, तो मैं तुम्हें मिट्टू दिखाता हूँ। हाय आला, अभी इसकी पोनी बनाई थी, पोनी गोली है। अरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए बाबा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये लो चोचो ले लो, चोचो 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 चोचो। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इससे पहले कि हम व्लॉग स्टार्ट करें, मैं तुम सबको, हमारे सारे व्यूवर्स को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से, मायरा की तरफ से, कैनी भाई की तरफ से, और हमारे छोटे बेबी आर्या की तरफ से। जैसा कि आज तुम लोगों को पता है, सिंस रमज़ान स्टार्ट हो गया तो हमारा साइबर जो अभी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो चुका है। हैपनिंग एज इन के अब इफ्तारी करके लोग जो है इधर बैठे हुए हैं, चाय शाय पीने आए हुए हैं, शुगल मुगल लगा रहे हैं अपना बैठ के। तो चलो लेट मी शो यू अराउंड थोड़ा सा। ये देखो तब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, वो सामने टीवी पे कोई मैच लगा हुआ है, फुटबॉल मैच तो चल रहा है सीन। मैंने चाय तो ऑर्डर कर दी है, बट मैंने कहा तुम लोगों को एक और चीज़ बता दूँ बहुत मज़े की। तो यहाँ चक्कर ये है ना कि पाकिस्तान में हमारे जब रमज़ान वगैरह स्टार्ट होता है ना, तो सारी महंगाई हो जाती है। नॉर्मली जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं ना, वो एक आम इंसान की पहुँच से पहले तो दूर होती हैं, फिर वो उनके बारे में सोचता भी नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी सीन है। चक्कर ये है कि यहाँ पर रमज़ान में स्पेशली जो है हर चीज़ पे, ऑलमोस्ट हर चीज़ पे जो कि इफ्तारी में यूज़ होती है शहरी में, मतलब ऑयल से लेके आटा से लेके अंडे वंडे, ये वो ईच एंड एवरीथिंग, उस पर सेल्स लग जाती हैं। सब कुछ सस्ता कर दिया जाता है ताकि मिडिल क्लास के भी जो लोअर क्लास लोग हैं वो सब कुछ अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो यार ये आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पर तो। बट अब देखो क्या सीन है, पाकिस्तान के तो हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या बनेगा। यार हम चाय शाय पीने आए थे, चाय शाय हमने पी ली है और अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो ये पड़ा हुआ था, ये हमने ब्रेड ली है, सही है, ये कप शप हमारे पड़े हैं। चाय इसने आज बहुत ज़्यादा मीठी बनाई थी तो वो हम पूरी पी नहीं सके, बट एनीवेज ऊपर चलते हैं एंड ऊपर चल के तुम्हें सीन दिखाता हूँ। और काफ़ी लोग इधर बैठे हुए हैं, बाय द वे ये मेरे पीछे भी बैठे हुए हैं, ये अपना शुगल मुगल लगा रहे हैं। घर हम आ चुके हैं, तो अभी क्या है ना, अभी खाने में कुछ था नहीं और हम लेना भूल गए, तो अभी मायरा कह रही है कि अभी कुछ सैंडविच वैंडविच बनाएंगे, ये वो अंडे बॉईल किए हुए थे तो उनका कोई सैंडविच बनाना है मायरा ने, तो वो देखते हैं वो मायरा क्या उस पर अपनी स्कीम लड़ाती है, तो मैं भी दिखाता हूँ। तो भैया ये कुछ एगोज़ हैं जो हमने बॉईल किए हैं। अच्छा, तो ये जो है ये हम अब इसके ऊपर कुछ मसाले वगैरह डाल रहे हैं, इनको हमने बेसिकली मैश कर लिया था। ओके, तो अब यहाँ जो है ये नमक डाला जा रहा है थोड़ा सा, और अब थोड़ी सी मिर्च डाली है मायरा ने, ये मायरा की अपनी कोई रेसिपी है, ये जो बाज़ार में क्लब सैंडविच मिलते हैं ना, ये उस टाइप का सीन है। अब ये एक और सीज़निंग डाल रही है ऊपर। यार ये मैंने वॉइस ओवर इसलिए लगाया क्योंकि पीछे ना कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था, तो अच्छा ये पेपरिका है, ये डल रही है, तो चिली टाइप होती है ये भी, तो खैर ये मैंने वॉइस ओवर इसलिए लगाया पीछे ना कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था, और फिर मैंने कहा ऐसी कॉपीराइट पड़ जाएगा तो फ़ायदा नहीं है। तो इसको मिक्स वगैरह कर रहे हैं, सही है। अब ये मायनीज डल जाएगी, ये सारा टेस्ट इसी का है भाई, ये जो बाज़ार में जो क्लब सैंडविच टाइप मिलते हैं ना, ये वो वाली रेसिपी बना रही है मायरा, बहुत मज़े की थी यार वैसे, बहुत बहुत मज़े की। अभी भी थोड़ा सा पड़ा है, अभी मैं थोड़ा सा फिर भी खा लूँगा। खैर एनीवेज, तो ये डल गई मायो, और ये देखो ये बन गया हमारा सैंडविच, क्विक एंड ईजी। ओके, फिर से बालकनी, हम लोग तो फैमिलियर हो ही गए होंगे कि अपन की एक बैल्कनी है जहाँ हमें ब्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एनीवेज मैं तुम लोगों को दिखाना ये चाह रहा हूँ कि दो ब्लॉग्स पहले शायद हमने अपने नए जो थे वो गमले सेट किए थे, तो मैंने कहा मैं तुम्हें एक दफ़ा दिखा दूँ क्योंकि मैं अभी इनको पानी देने लगा हूँ, तो चेक करो इनकी सूरत हाल। तो यार एक ये है और इसका ये छोटा सा एक बेबी भी आ रहा है नीचे से, तो मतलब ये सही है। ये वाला जो है ना यार, इसके ये देखो ये कुछ है, ये शायद ख़राब हो रहा है या पता नहीं, ये है ही ऐसा पता नहीं। ये वाला हमारा सबसे जो प्रीटी है, ये पता नहीं अब इसको मैं छेड़ना भी नहीं चाह रहा,
लेकिन ये बेचारा नहीं सरवाइव कर रहा यार, इसको कुछ हो गया, जेन्युइन कुछ हो गया इसको। ओके एनीवेज, तो इनके लिए पानी लेके आते हैं। वो हमारा वो पड़ा हुआ है पानी के लिए, ये रहा, ये इसमें पानी डाल के लेके आते हैं। ओके तो पानी भर रहे हैं हम, पानी भर लिया मैंने, गिर ना जाए व्लॉग के चक्कर में। चलो चलो भाई, पहले तुम लो। अच्छा ये जो नीचे प्लेट पड़ी है ना, इसका बड़ा फ़ायदा है, अगर पानी ओवरफ्लो होता है ना तो वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं इधर भी डाल देता हूँ, तो फिर ये नीचे से मिट्टी जो है ना वो पानी चूसती रहती है। ओके चलो, अब इसको दे रहे हैं हम, इसको भी गुड अमाउंट ऑफ वाटर दे देते हैं। इसके नीचे वो नहीं है, शिट नीचे गिर गया। अब इसको दे देते हैं हमारे कैक्टस को, बहुत ही मॉम डैड कैक्टस है ये, ग्रीन रेड वाला, ग्रीन और रेड। और अब इस बेचारे को दे देते हैं यार, ये भी चल जाए बस, आई होप। इसको और दे देते हैं, इसको और दे देते हैं, यहाँ से ये सूखा हुआ है थोड़ा। ओके डन, थोड़ा सा पानी बच गया था, मैंने कहा मनी प्लांट को भी दे दें। अब यार इधर इतना बड़ा घर तो है नहीं ना कि पूरा लॉन हो सके, और इसको भी दे देते हैं। आई नो थोड़ा गंदा है नीचे यार, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी डेली ब्लॉगिंग में तो फिर ऐसे ही होता है ना, मैं पहले सफाई करने बैठ जाऊँ क्या? ये लो। तो यार एक और चीज़ मैं तुम्हें बतानी थी, अप्रैल से जो है जॉब तो मेरी चल ही रही है, बट चक्कर ये है कि अप्रैल से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तो आई थिंक कि तब डेली ब्लॉगिंग शायद ना हो सके, बट मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह मैं उसको कंटिन्यू कर सकूँ। अभी भी डेली ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ काम आ जाते हैं, ठीक है, बेटी भी है, फिर घर बार देखना है, ये वो, ऑल दो सब करें, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, बट ये है कि समटाइम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट इट्स टोटली नॉर्मल, ठीक है। मैंने कहा वैसे तुम्हारे से शेयर कर दूँ, तो शायद तब डेली ब्लॉग्स ना सकें। कोशिश मेरी पूरी होगी कि आएँ, हम कुछ नया कॉन्टेंट बना लेंगे, ऑफिस जाया करेंगे तो वहाँ पर कोई कॉन्टेंट बना लिया करेंगे, बट ये साल मेक श्योर के ब्लॉग्स आते रहें, ये मेरी कोशिश है, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी, देखते हैं क्या होता है। सेकंड थिंग ये यार, तुम्हें एक बड़ी मज़े की बात बतानी थी, डकी भाई मलेशिया आ रहे हैं, अभी थाईलैंड में है, बट यस आई थिंक मलेशिया आना है, तो मेरी तो कोशिश यही होगी कि अगर वो मलेशिया आ जाए तो मैं किसी तरह मिल लूँ डकी से, बट आई डोंट नो मैन, टाइनी यूट्यूबर, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन हाँ कभी अगर मैं बम्प कर गया अंदर, ठीक है, आई मेक श्योर आई डेफिनेटली मीट हिम। सही है, डेली ब्लॉगिंग की जो इंस्पिरेशन थी वो डकी को देख के ही शुरू की थी मैंने, मैसिव ग्रोथ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला के आई रियली वॉन्ट टू मीट द गाय। सही है, और यहाँ पे इधर मलेशिया में इट्स बीन अ वाइल, यूट्यूबर्स आते हैं, सिंगापुर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, बट येस डकी इज़ कमिंग टू मलेशिया एंड आई होप आई कैन मीट हिम। बट एनीवेज, तो यार ये था आज का ब्लॉग, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। कल फ्राइडे है और कल हम एक बहुत ही मज़े का चैलेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, वो मैंने अभी इस वीडियो में करना था बट ड्यू टू सम इश्यूज़ हम वो नहीं कर सके, बट यस कल की वीडियो में हम एक चैलेंज भी करने जा रहे हैं, तो ट्यून इन रहना। सही है, और अगेन बेल आइकन नहीं दबा तो बेल आइकन दबा दो, मिलूंगा तुम्हारे सकते वीडियो में, तब तक इतना ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू।